गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपका अभी आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर के अभी हमने आपको क्या बताए हैं? फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले के बाद क्या बताए? क्वेश्चन। और हमने कल की क्लास में क्या बोला था कि इसमें कुछ थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इम्पोर्ट मतलब ये थ्योरम ऐसी होती है कि थ्योरम बेस पे भी आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में सीधा आपको आएगा कि प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें दो तीन थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आपके उसमें आती जरूर है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हमारा क्या है? देखो, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी। ये तो हमने आपको बताया ही था कि एफ पी बराबर हमारा क्या होता है? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? एफ पी का। और इस एफ पी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास एफ टी। ये तो अभी आप लोगों को इतना पता है। ये किसके बराबर होता है? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये तो इतना आपको पता है। अब इसमें आपको ये सॉल्व करके बताना है, देन लाप्लास ई टू दी पावर ए टी एफ टी बराबर एफ पी माइनस ए। अभी तक आपको एक ही फंक्शन दिया जाता था, जैसे ये दिया ई टू दी पावर ए टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन पी माइनस ए। लेकिन अब आपको क्या है, ये भी दिया है और साथ में क्या दिया है? एफ टी, मतलब ये फंक्शन भी दिया है। तो अब आपको इसके इसको साथ में लेके ये क्या करके बताना है? सॉल्व करके बताना है। यही हमारी कौन सी थ्योरम है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो, सबसे पहले हम आपको जो आता है आप सबसे पहले वो नोट कीजिए। सॉल्व में क्या है आपका, आप इतना ये जानते हैं, लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये आपकी इक्वेशन होती है। अब आपको देखो, एफ की जगह हमें क्या रखना है? पी माइनस ए, पी की जगह। इसलिए एफ पी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस का पी माइनस का ए टी एफ टी डी टी। अभी हमने देखो क्या किया है, ये आपकी इक्वेशन आप जानते हैं, लेकिन आपको क्या सॉल्व करके बताना है? हम इसे लेके चल रहे हैं, इसे हमने लिया है और इसे लेके चलेंगे और ये हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, तो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। तो हमने p की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? p माइनस ए। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी माइनस ए टी एफ टी डी टी। अब इसे हम खोलेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी ई टू दी पावर ए टी एफ टी डी टी। अब देखो, ये है फंक्शन, इसको तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे इसे। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? एफ पी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? अब आपका लाप्लास, इतनी वैल्यू किसकी होती है? लाप्लास की होती है। तो लाप्लास ई टू दी पावर ए टी एफ टी डी टी। ये हमारा आप देखो क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो देखो, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है। तो आज की क्लास में हम आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम समझाई है कि आपको लाप्लास का फंक्शन दिया जाएगा इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। आपको ये आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। तब देन ये इतने को लेके आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है कि जब लाप्लास एफ टी बराबर होता है एफ पी, तो एफ पी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? लाप्लास ई टू दी पावर ए टी एफ टी डी टी। तो इसे हम लेके चले, पी की जगह हमने क्या रखा? एफ पी माइनस
ए, तो इतने इसको कंडीशन करते हुए आप बस वैल्यू पुट करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो हम आपको आज तो हमने आपको ये थ्योरम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताई है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपको दे रहे हैं। अगर आप लोग कर सके तो कीजिएगा, तो कल नहीं तो कल की क्लास में आपको हम कौन सी थ्योरम बताएंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो आप लोग नोट कर लीजिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अगर सॉल्व कर सके तो सॉल्व कीजिएगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारी क्या है, इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी एंड, इसमें आपके दो फंक्शन दिए जाएंगे और इस जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए जीरो, टी इज ग्रेटर देन, टी इज लेस देन ए। तो देखो देन लाप्लास जी टी बराबर ई टू दी पावर माइनस ए पी एफ पी, क्या करना है आपको सॉल्व करना है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सके तो कीजिए, नहीं तो जो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताई है उसको रिवाइज कीजिएगा और ये थ्योरम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। थैंक यू।